हेलो डियर ट्रैवलर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर दोबारा से एक नए वीडियो के साथ। अभी मैं हूँ लालगढ़ जंक्शन में। सो अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर एक पर बैठे हुए हैं और हमारे गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। गाड़ी संख्या 05910 अवध असम एक्सप्रेस जो लालगढ़ से चलकर डिब्रूगढ़ तक जाती है, जो कि एक डेली रनिंग ट्रेन है जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। ये ट्रेन लालगढ़ से प्लेटफॉर्म नंबर एक से शाम को 7:50 पे यहां से रवाना होती है। सो अभी हम आ गए अपने सीट पर। सीट नंबर है 78, S4 में 78 अपर सीट अपर बर्थ है। तो ये ट्रेन यहाँ से डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती है और बठिंडा में इसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जोड़ा जाता है। ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, तो आइए देखते हैं लालगढ़ स्टेशन से अवध असम का डिपार्चर। ट्रेन लून करंसर क्रॉस करने के बाद अभी महाजन में खड़ी है। लून करंसर में इसका 2 मिनट का स्टॉप था जो कि हमने स्किप कर दिया, और अभी महाजन में भी इसका 2 मिनट का स्टॉप है। महाजन से निकलते ही बारिश शुरू हो गई है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा से मौसम मस्त हो रहा है। तो महाजन के बाद हमारी ट्रेन एक छोटे से स्टेशन राजियासर में रुकी है, और जैसा कि आप बाहर देख सकते हैं, देखते कह सकते हैं, अंधेरा है, बिजली चमक रही है और बारिश हो रही है बहुत जोर की, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो यहाँ पर काफ़ी देर से ट्रेन रुकी हुई है अपनी फैक्ट्री क्रॉस में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सूरत। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बठिंडा जंक्शन। रात के बज रहे हैं 1:40 और टाइम से 10 मिनट लेट ट्रेन पहुंची है बठिंडा। यहां पर इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज किया जाएगा। यहां तक ये डीजल लोकोमोटिव के साथ आया है और यहां पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाया जाएगा। ये ब्लॉग बना रहे हैं, यूट्यूब चैनल है ना। अच्छा, यूट्यूब चैनल चलाते हो। उसी अरे मजा सही 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 खींच मेला आने लगा।
मजाक थोड़ी करे, ये तोरे फोटो आए ब्रो। लो सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी हमारी ट्रेन पहुंची है दिल्ली। और दिल्ली लगभग 16 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, यहाँ पर रोज़ाना लगभग 250 ट्रेनें रुकती हैं और यहाँ से गुजरती हैं। बोरेली जंक्शन पे आपका स्वागत है ना। सामने ट्रेन आके खड़ी है, वो है सियालदह हरिद्वार एक्सप्रेस जो सियालदह से हरिद्वार को जाती है। अभी तक हमने 900 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर ली है। अभी एक छोटा सा स्टेशन टिशुआ के पास गाड़ी खड़ी है, इसके बाद शाहजहाँपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन आने वाला है। देर में अभी ट्रेन लखनऊ पहुंचने वाली है, तो आइए देखते हैं लखनऊ पे इस ट्रेन का अराइवल। अरे आउटर पे नवाबों के शहर लखनऊ में स्वागत है आपको। सो अभी हम पहुंच चुके हैं लखनऊ, जिसका स्टेशन कोड है LJN। लखनऊ में मेनली दो स्टेशन है, एक चारबाग लखनऊ स्टेशन और एक लखनऊ जंक्शन। अभी तक हम इस ट्रेन में 1100 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और बाकी अभी बाकी है। लखनऊ रेलवे स्टेशन मेनली 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और यहाँ एवरेज 300 ट्रेनें रोज यहाँ से गुजरती हैं। अभी हम आ चुके हैं गोरखपुर, और गोरखपुर के उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जो इंडियाज़ लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है।
गोरखपुर 10 प्लेटफॉर्म्स का रेलवे स्टेशन है। सो लालगढ़ से गोरखपुर तक अभी तक हमने 1370 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। सामने ट्रेन खड़ी है कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस। की पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन, बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन पे, और अभी तक इस ट्रेन में 1660 किलोमीटर का सफ़र कंप्लीट कर चुके हैं। और मुजफ्फरपुर जंक्शन 7 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, टोटल 9 प्लेटफॉर्म है। और यहां से महज 50 किलोमीटर की जर्नी बाकी रहती है अपनी, यहां से मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर के बीच की। भागा भागा धरो 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 एगो बच गए की वेल अंदर चलो अंदर रुकिए गले कदम में हद का गल ले हेलो कर दो करो। हाँ अब आ जाओ, कहाँ गए सब मिलेंगे, लाइक सब्सक्राइब करें। 3 पे जा रहे हैं, 5 पे नहीं जाए अभी, इसी पर आएंगे। Yeah.
सो फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन समस्तीपुर। हमारा डेस्टिनेशन तो समस्तीपुर था, पर वो ट्रेन का डेस्टिनेशन डिब्रूगढ़ है, जो कि वो कल दोपहर में 3 बजे पहुंचेगी। सो हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं किसी नई जर्नी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।